आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के पास नोएडा में बड़े बिजनेसमैन पोंटी चड्ढा के मॉल पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। पोंटी चड्ढा के सेंटर स्टेज मॉल से पुलिस को एक तिजोरी मिली। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस तिजोरी में 200 करोड़ रुपए हो सकते हैं। यह तिजोरी 12 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी है। पोंटी की तिजोरी में कोडवर्ड वाला ताला लगा हुआ है। इसका कोडवर्ड सिर्फ पोंटी को पता है। इनकम टैक्स विभाग इस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रही है। पूरे सेंटर स्टेज मॉल को पुलिस ने घेर लिया है। आयकर विभाग को शक है कि इस तिजोरी में पैसे नहीं भी हो सकते हैं। इस बीच खबर आ रही है कि कारोबारी पोंटी चड्ढा तिजोरी खोलने के लिए तैयार हो गए। बहुत गौर से एक एक खबर सुनिए। सूत्रों से खबर मिली है कि नोएडा के सेक्टर 18 के सेंटर स्टेज मॉल से इनकम टैक्स को एक तिजोरी मिली है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर यही है नोएडा का सेंटर स्टेज मॉल। इस मॉल के बेसमेंट में 12 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी तिजोरी मिली है। इनकम टैक्स के सूत्रों की माने तो तिजोरी को एक कोडवर्ड से खोला जा सकता है और ये कोडवर्ड सेंटर स्टेज मॉल के मालिक पोंटी चड्ढा के पास है। अब सुनिए इस तिजोरी में कितना रुपया है। इनकम टैक्स के सूत्र कहते हैं कि इस तिजोरी में 100 से 200 करोड़ रुपए हो सकते हैं। इनकम टैक्स का अनुमान है कि अगर इतनी लंबी चौड़ी तिजोरी में 500 रुपए के नोट हैं, तो उससे 100 करोड़ रुपए तो कम से कम होंगे ही। अगर ये तिजोरी 1000 के नोट से भरी है तो इसमें 200 करोड़ रुपए हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस तिजोरी का पता आज 3 शहरों में पड़े छापे के दौरान लगा। आज सुबह इनकम टैक्स ने नोएडा, दिल्ली और मुरादाबाद में पोंटी चड्ढा के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक तिजोरी की जानकारी उन्हें ललित कपूर से मिली। ललित कपूर उर्फ स्वीटी पोंटी चड्ढा की कंपनी में सीईओ है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में ललित कपूर ने ही राज खोला कि बेसमेंट में रखी तिजोरी में पैसे हैं। मगर ये तिजोरी कोडवर्ड से खुलती है। ये कोडवर्ड पोंटी चड्ढा के पास है, जो कहाँ है इसकी पक्की खबर नहीं है। आईटी के सूत्र बताते हैं कि पोंटी इस वक्त दुबई में है। यही वजह है कि तिजोरी अब तक खोल नहीं सकी है। तिजोरी खोलने के लिए इनकम टैक्स ने नोएडा पुलिस से टीम मांगी है। पूरे मॉल को घेर लिया गया है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आपको बता दें कि इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ रुचि मौजूद है, मनीष हमारे साथ मौजूद है। खबर है कि सेंटर स्टेज मॉल को पुलिस ने घेर लिया है। खबर यह भी है कि पोंटी चड्ढा तिजोरी खुलवाने के लिए तैयार हो गए हैं और ये तिजोरी किसी भी वक्त खुल सकती है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद आपको वो कमरा दिखा रहे हैं जहां पोंटी चड्ढा की तिजोरी है। पोंटी चड्ढा के इसी सेंटर स्टेज मॉल के बेसमेंट के अंदर बना हुआ था एक शेल्फ। सोर्सेज के मुताबिक इसी शेल्फ के अंदर करीबन 200 करोड़ से भी अधिक जो कैश है वो मिला है। यहाँ पर बाहर सिक्योरिटी इन्होंने मांगी क्योंकि कैश बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में थे। आप देख सकते हैं जो अंदर ऑफिस के लोग हैं वो बाहर खड़े हैं, साथ में सिक्योरिटी कवर है। अंदर डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो इनकम टैक्स की टीम है वो लोग अंदर मौजूद हैं, जो कि लगातार जितने भी कागज़ हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं और साथ में जो कैश है उसको गिन रहे हैं। कैश बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स की टीम ने यहाँ पर आते ही सबसे पहले बोला कि उनको सिक्योरिटी कवर चाहिए। सिक्योरिटी मिलने के बाद इसी रूम के अंदर वो शेल्फ बना हुआ है, ये करीबन 8 फीट का शेल्फ है जिस शेल्फ के अंदर कैश छुपाया हुआ था। और सीधे चलते हैं इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर विनोद खापरे के पास। विनोद जी, पूरी खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। देखिए इसमें बहुत इसको स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी होगा सभी लोगों के लिए, वो ये कि जो सुबह से जितने 13 ठिकानों पर कुल मिलाकर के पोंटी चड्ढा के जो रेट्स हुई हैं इनकम टैक्स की, उनमें से मैं आपको बता दूं निशांत कि अभी तक इनकम टैक्स को किसी भी ठिकाने से कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ एक जो अभी तक जो बड़ी खबर के तौर पर जिसको जो आ रही है सामने, वो यही है कि सेंटर स्टेज मॉल से एक तिजोरी मिली है जो कि बहुत बड़ी तिजोरी है। और इनकम टैक्स के जो बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि बाकी जगह से हमको कुछ नहीं मिला है तो, और सिर्फ सेंटर स्टेज मॉल से हमको एक तिजोरी मिली है। उस तिजोरी में क्या है इसके बारे में उनको पक्के तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनका यह कहना है कि जब हमने पोंटी चड्ढा की जो कंपनी है उसके जो सीईओ हैं ललित कपूर और स्वीटी, जब हमने उनसे पूछा कि इस तिजोरी में क्या है तो ललित कपूर ने कहा कि इसमें आम तौर पर वो कैश रखते हैं।
अब इनकम टैक्स का कहना है कि ललित कपूर के बयान के आधार पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ललित कपूर सही बोल रहे हैं, इसको आप गौर कीजिएगा कि इनकम टैक्स के सूत्र ये कहते हैं कि अगर ललित कपूर ये सही कह रहे हैं कि उसमें कैश वो रखते हैं और कैश रखा है, तब तो हम ये मानते हैं कि इसमें 100 से 200 करोड़ रुपए हो सकते हैं। लेकिन अगर ललित कपूर के पास जानकारी नहीं है, तो मुमकिन अगर ललित कपूर के पास ये जानकारी नहीं है कि इसमें उस तिजोरी में कैश है या नहीं है, अगर ललित कपूर के पास ये जानकारी नहीं है, तो मुमकिन है कि जिस तरह से बाकी 12 ठिकानों में इनकम टैक्स को खाली हाथ रहना पड़ा, मुमकिन है कि इस तिजोरी में भी कैश ना हो। ये बात इनकम टैक्स के सूत्र कह रहे हैं। अब अगर बात रेड की जाए, जिस तरीके से ये पूरी रेड हुई है, तो कुछ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी टाइमिंग को लेकर लोगों को थोड़ी शंका हो रही है। देखिए, ये तो राजनीतिक दलों में इस तरह की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से इनको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का संबंध पोंटी चड्ढा के राजनीतिक हलकों में रहे हैं, उन सब को देख करके किया जा रहा है। लेकिन अभी जो इनकम टैक्स की जहां तक बात है, इस खबर में जो एक और बात सामने आई है कि वो ये कि पोंटी चड्ढा इस वक्त दुबई में है, अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी है, फैमिली फंक्शन चल रहा है उनका दुबई में, और ये भी पता चला है कि पोंटी चड्ढा इस तिजोरी को खोलने के लिए तैयार भी हो गए हैं। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स ने उनको 14 दिन का नोटिस दिया है कि आप 14 दिन के अंदर इसको खोलें, नहीं तो हम इसको तिजोरी को तोड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, बस तिजोरी से थोड़ी उम्मीद बाकी है। पोंटी चड्ढा तिजोरी की तलाश आज सुबह 10 बजे शुरू हुई, जब इनकम टैक्स ने 3 अलग अलग शहरों में पोंटी चड्ढा के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक रात के इस वक्त तक पोंटी के पास अरबों की संपत्ति का पता चल चुका है। पोंटी के एक खास सहयोगी ललित कपूर को इनकम टैक्स ने पकड़ भी लिया है। आज सुबह करीब 10 बजे दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी के पोंटी चड्ढा के घर में सबसे पहले इनकम टैक्स ने छापे मारे। उसके बाद नोएडा, मुरादाबाद, लखनऊ और मुंबई समेत 19 ठिकाने पर छापेमारी में 200 से ज्यादा अधिकारी जुटे रहे। नोएडा सेक्टर 18 के सेंटर स्ट्रीट मल्टीप्लेक्स छतरपुर के बाम हाउस मुरादाबाद में पोंटी के घर पर छापेमारी हुई। खबर है कि आयकर विभाग के दिल्ली ब्रांच की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी छापेमारी में शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को खबर मिली थी कि शराब की बोतलों की मुंहमांगी कीमत वसूली जा रही है। सुबह 10 बजे एकाएक 40 जवानों ने नोएडा के सेंटर स्ट्रीट मॉल को चारों तरफ से घेर लिया। घंटों ना तो किसी को मॉल से बाहर जाने दिया गया और ना अंदर। खबर है कि पोंटी के ठिकानों से अरबों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर की टीम ने पोंटी चड्ढा की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। अभी सेंटर स्टेज है, सेंटर स्टेज मॉल, सारा फोकस वहां पर है और हम फोकस करते हैं मनीष जो कि खुद वहां पर खड़े उनके ऊपर। मनीष, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं और वहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले लोगों के लिए बताइए, क्योंकि ये बड़ा मॉल है, यहां पर लोगों के लिए आना जाना चल रहा है या वो सब बाहर कर दिए गए? मनीष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मनीष तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। रुचि, क्या हम पास चलते हैं? रुचि, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसको राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, खासकर इसकी टाइमिंग को। देखिए निशान, पोंटी चड्ढा की जहां तक बात है तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रहने वाले रामनगर के हैं और पहले वहां पे उनके पिता का शराब का कारोबार था। वो बहुत बड़े, आप उनको शराब माफिया नहीं कह सकते, वो एक ठेकेदार थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे उत्तरांत उस समय जो पहाड़ का इलाका था वहां पे उनका शराब का बड़ा कारोबार पोंटी चड्ढा ने शुरू किया और धीरे धीरे करके वो नारायण दत्त तिवारी के बहुत करीबी हुए और उसके बाद जो भी सरकार आई उसके वो करीब आते गए। तो इस तरह की बात उनके साथ जुड़ी है कि जिसकी भी सरकार होती है उसके वो बहुत करीबी होते हैं। अब चुनाव का मौका है तो लोगों का ये आरोप है, पिछले 2-3 दिनों से इस तरह की बातें हवा में आ रही थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी एक बड़े व्यापारी के यहाँ छापे डाल सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वो चुनाव में पैसा और शराब की सप्लाई कर रहा है। तो इस तरह की बातें हवा में है क्योंकि चुनाव का मौका है, तो इस तरह के आरोपों का दौर चल रहा है। निशान जी, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, सवाल यह है कि अभी इस वक्त सेंटर स्टेज मॉल में क्या खबरें आ रही हैं? एक, दूसरा, लोग क्या वहां पर जा पा रहे हैं या नहीं?
निशान, सेंटर स्टेज मॉल में सुबह 9 बजे से ही जब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ टीम पहुंची तब से लेकर अभी तक, यानी सेकंड फ्लोर और बेसमेंट और लोअर बेसमेंट इनको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, खास करके सेकंड फ्लोर जहां पर सेंटर स्टेज मॉल का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है और बेसमेंट जहां पे लॉकर है और साथ में जो मैनेजर हैं ऑपरेशंस के वो वहां बैठते हैं, उसको बैरिकेड कर दिया गया है। साथ में जब इनको ने ललित कपूर ने इनको लॉकर के बारे में बताया तो उस जगह पर पहुंचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जहां पर ये लॉकर बना हुआ है। अगर ये लॉकर आप देखेंगे तो दो तरफ से इसमें जाली लगी हुई है और अंदर की तरफ काफी अंदर जाने के बाद लोहे का एक गेट है, उसके बाद ये लॉकर है। तो वहां पर इस समय सीआरपी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, चूंकि लॉकर की बात थी तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी, अभी तक जितने भी 12 ठिकाने थे पौंटी चड्डा के वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नहीं मिला था, इसीलिए अनुमान लगाया गया कि हो सकता है यहां पर कैश की मात्रा काफी अधिक हो। इसीलिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि उनको सिक्योरिटी कवर चाहिए और इसके बाद यहां पे सीआरपी की टीम और साथ में नोएडा पुलिस की जो लोकल टीम है, पुलिस की टीम है, उनको जी मनीष उनको तैनात किया गया और तैनाती के बाद जितने भी कागज हैं उनको वेरीफाई करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो हमारे जो सूत्र हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं कि आज पूरी रात जो कागज है उनको वेरीफाई करने में लग जाएगा। निशांत, मनीष ठीक कह रहे हैं आप, और आज पूरी रात वेरीफाई करने में लग जाएगी। वहां पर एक बड़ा मूवी हॉल है, उसके ठीक ऊपर बॉक्स ऑफिस है और नीचे लगता है ऐसा जैसे कैश ऑफिस है। आखिर कौन है ये पौंटी चड्डा और आयकर विभाग ने क्यों मारे हैं पौंटी के ठिकानों पर छापे, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। सोचिए, बिजनेसमैन पौंटी चड्डा की एक तिजोरी में 200 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है, तो पौंटी चड्डा के पास कितने रुपए होंगे, कौन है पौंटी चड्डा और क्या करते हैं? पौंटी चड्ढा शराब के बड़े कारोबारी हैं, उनका रियल स्टेट का बिजनेस भी है। चड्ढा की राजधानी दिल्ली समेत दिल्ली के कई शहरों में मॉल और मल्टीप्लेक्सेस हैं। इसके अलावा चड्ढा चीनी के बड़े व्यापारी हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद जैसे 1.5 दर्जन से ज्यादा शहरों में पौंटी चड्ढा के मॉल, शराब की दुकानें और रियल सेक्टर का कारोबार शामिल है। बिलासपुर में उनकी पेपर मिल भी है। साल 2009 के मार्च महीने में पौंटी को पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बेचने का ठेका मिला। देश में पहली बार हुआ कि किसी राज्य के पूरे शराब व्यवसाय को एक हाथ में दे दिया गया। गुरदीप सिंह चड्ढा और पौंटी चड्ढा ने 6000 करोड़ रुपए के राजस्व व्यापार को टेंडर से हासिल किया। पौंटी ने अपने बिजनेस की शुरुआत पंजाब से की, वो फिल्म भी बनाते हैं लेकिन मीडिया, कैमरे और प्रचार से दूर रहते हैं। रुचि इस वक्त हमारे साथ है। रुचि, इस वक्त ऐसी रेड होना, अगर जितने भी उस पर्टिकुलर बेल्ट के व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं, क्या उनको एक एक फियर फैक्टर हो गया है? बड़े पैमाने पे इलेक्शन कमीशन के आदेश से यहाँ पैसे पकड़े जा रहे हैं और आज की जो रेड है उससे आप जरूर कह सकते हैं कि जो चुनाव में जिस तरह से पैसा लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को जरूर कुछ डर रहा हो गया होगा। लेकिन एक चीज और कही जा रही है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो पौंटी चड्ढा के यहाँ रेड हुई है उसके पीछे जड़ जो है चीनी मिल है यूपी की, करीब आधा दर्जन जिनको पौंटी चड्ढा ने पिछले सालों में खरीदा था। और ये कहा जा रहा है कि 3 टेंडर्स उन्होंने डाले थे और तीनों टेंडर्स अलग अलग कंपनी के नाम से डाले थे, लेकिन बैंक का अकाउंट एक ही था, जो ड्राफ्ट दिए गए थे वो एक ही अकाउंट से दिए गए थे। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी जांच शुरू की और आज उनके यहाँ छापे पड़े हैं। निशान, एक और चीज यहां पर जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से भी नहीं आया है। मनीष हमारे साथ है, मनीष कोई भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट या सिर्फ सोल अथॉरिटी पौंटी चड्ढा है वही बात करेंगे? देखिए, कुल मिला के 9:30 बजे यहाँ पर
चार गाड़ियां पहुंची जिसमें 12 ऑफिसर्स थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 12 ऑफिसर्स जिसको लीड कर रहे थे डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर। वो जैसे ही यहां पे पहुंचे, पहले पहुंचे सेकंड फ्लोर और फिर उसके बाद जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन था इन्वेस्टिगेशन का वो निशान था बेसमेंट में। बेसमेंट के अंदर ही जांच पड़ताल शुरू की गई और जितने भी कागज हैं उनको वेरीफाई करने का सिलसिला हुआ। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बताया उन्होंने कि जिस तरीके से ललित कपूर के हवाले से जो बात आई थी उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन था वो बेसमेंट रखा गया, यानी बेसमेंट जहाँ पे लॉकर है। करीबन उन्होंने ही बताया कि 8 फीट की जो एक लॉकर है जिसके अंदर अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है पैसे हो, चूंकि 12 ठिकाने वो थे जहां पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो खाली हाथ रहा, तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है सीईओ ललित कुमार के जो उनका जो स्टेटमेंट था उसके अनुसार कि हो सकता है यहां पर हो। लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली कि पॉन्टी चड्ढा यहां पे खुद नहीं है, उनके सामने वो यहां पर खुद नहीं है जो आप क्या है 200 करोड़ का सच। सीधे चलते हैं रुचि के पास। रुचि, अभी तक जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को कहीं से कुछ नहीं मिला है, सिर्फ ये तिजोरी पर उनकी नजर है, आप हर जगह से वो खाली हाथ लौटे। देखिए, सोर्सेस तो यही कह रहे हैं कि तिजोरी मिली है और कुछ सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं जिसकी जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। लेकिन निशांत, कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल इस मामले में कि उनके ठिकानों पे जो छापे पड़े उसमें क्या मिला और कोई ऐसी चीज उनको ऑब्जेक्शनेबल मिली है कि नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं है। अब तिजोरी जब ये खुलेगी तब ये राज खुल पाएगा। निशांत, एक और चीज रुचि, इस पूरे मामले में अभी तक जो मैंने मनीष से पूछा था कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से भी कुछ भी नहीं आया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, इसमें किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, आमतौर पे जब इस तरह की रेट्स होती है निशांत, आप देखेंगे जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेट्स डालता है या सीबीआई रेट्स डालती है तो वो बहुत जल्दी कुछ भी नहीं बताती, वो चीजों को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उनको कुछ पैसे मिलते हैं तो उसकी जांच की जाती है, कुछ कागजात मिलते हैं, उनके प्रॉपर्टी के कागजात कुछ मिले उनके जांच की जाएगी, तब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। लेकिन अभी सबकी नजर उस तिजोरी पर है जिसका कोड वर्ड कहा जा रहा है कि पॉन्टी चड्ढा के पास ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। भारत को मिल गया है सरहद का सबसे नया और ताकतवर पहरेदार, ये पहरेदार करेगा चीन और पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम। हिंदुस्तान का यह नया पहरेदार कौन है, देखिए पूरी खबर एक ब्रेक के बाद।